नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम ग्रुप डी के बारे में पूरी तरीके से डिटेल बात करने वाले हैं, जो कि एक अजमेर से अभी अभी नोटिस आई है। पूरा बताएंगे ITI रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो कौन से ट्रेड में नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो कितने पोस्ट पर नहीं रहेगा, अगर ITI अगर आप किए हैं तो 2 साल का मान्य होगा कि 1 साल का मान्य होगा, अगर आप ITI किसी अन्य ट्रेड से किए गए तो क्या वे फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, अगर भरेंगे तो कौन कौन से ट्रेड में भरेंगे, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब 2019-18 के आसपास जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी, तो उसका जब नोटिफिकेशन आया था और पूरी वैकेंसी की डिटेल आई थी तो उसमें ITI मांगा गया था, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण 5 पोस्ट पर वहाँ पे 10th पास को भी अलाउ कर दिया गया था। तो अगर 10th पास अगर वो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आएगा, अगर ITI मांगेगा, तो निश्चित तौर पर उस 5 पोस्ट पर क्योंकि नॉन टेक्निकल वालों को मौका मिलेगा। हालांकि पूरी वैकेंसी में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अजमेर से जो नोटिस अभी जारी हुई है उसके हिसाब से जो है अभी जो है जो अपना ग्रुप चेंज करना चाह रहे हैं वो ग्रुप अपना चेंज कर रहे हैं, और अगर किसी ग्रुप में हैं तो उनको सीधे सीधे कहा जाया गया पॉइंट मैन में आप अपने ग्रुप में आदमी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर वैकेंसी आएगी तो इसमें काफ़ी कम पद देखने को मिल सकते हैं। आप ITI पहले के 1 साल के किए हैं या 2 साल के किए हैं तो इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नहीं है कि 1 साल वालों का क्या होगा। अगर अलग ग्रुप से किए हैं तो उनका कौन कौन से ग्रुप अलाउ होगा कौन सा ग्रुप नहीं होगा, जो अगर बात अगर हम करें तो ऐसे में सभी लोग भर लेंगे ग्रुप डी का पेपर और 3 साल तक वे नौकरी करेंगे हेल्पर की, और उसके बाद जब प्रमोशन की बात आएगी तब वहाँ ITI की डिग्री को देखा जाएगा और उसी कैटेगरी के अनुसार उनका प्रमोशन किया जाएगा। अगर रही बात ITI को लेकर के, तो रेलवे ने पहले ही सीधे सीधे कह दिया है कि इस बार टेक्निकल पदों पर हम ITI लेंगे। तो निश्चित तौर पर जो 28 पोस्ट हैं उसमें से 5 पोस्ट जो है 2 मेडिकल को है का है और 1 पावर पॉइंट मैन है, गेट मैन है और पोर्टल हेल्पर है। तो ट्रैक मैन के बाद अगर वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो वो पॉइंट्स मैन में ही होती है। अगर अजमेर की नोटिस के अनुसार देखा जाए तो कह दिया गया कि आप अपना ग्रुप चेंज करके पॉइंट मैन में हो देख सकते हैं। तो अगर आप आर्ट हैं, अगर आप ITI नहीं किए हैं तो एक इन 5ों में पॉइंट्स मैन में ही अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है, बाकी सब में बहुत कम होती है। तो इस तरीके से अगर वैकेंसी की लाभ बात कर रहे हैं लोग 1 लाख की, अगर 1 लाख आती है तो उसमें 18 से 20 हज़ार वैकेंसी ऐसी होगी जो नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट के लिए होगी, लेकिन 50 हज़ार से कम किसी भी कीमत पर वैकेंसी नहीं रहेगी। जब 20 और 30 हज़ार वैकेंसी NTPC लोको पायलट में आई है तो ग्रुप डी तो एक बहुत बड़ा पोस्ट है, उसमें कम से कम 50 हज़ार, तो उसमें से 10 से 12 हज़ार वैकेंसी जो है अलग अलग ट्रेड में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा ITI है, चलिए ITI है आपका बढ़िया है, आपकी लड़ाई कम लोगों की है, लेकिन जो अपना सपना पाले हुए हैं, जो उस बार नहीं नौकरी कर पाए थे, तो उनसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ पूरा मेहनत करिए और कम से कम 85 नंबर से पार ही रहिए, इधर रहने पे भी खतरा हो जाएगा। नॉन टेक्निकल वालों को अगर नौकरी पाना है तो उन्हें 85 का आंकड़ा जो है पार करना होगा, अगर कम रहेगा तो भगवान भरोसे रहेंगे। तो मौका आज भी है, उस तब भी था, मौका आज भी है। अब आपको यकीन करना है कि हमें कितना देर तक पढ़ना होगा और कैसे नौकरी प्राप्त करनी होगी। जो भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब।